फरीदाबाद में भोजपुरी अवधि समाज का सबसे बड़ा छठ पर्व मनाया गया। छठ मैया की चार दिन की पूजा के अंतिम दिन पानी में खड़े होकर पूर्वांचल के हजारों लोगों ने ढलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया और मनोकामनाएं मांगी। छठ मैया की पूजा पर हजारों लोग पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ पूजा करते हुए नजर आए। चार दिन से रोजाना किस तरह से प्रतिक्रिया रहती है? ये रहती है कि सुबह जैसे मैं तीन दिन पहले हमने खाना ही नहीं खाया था, कल से कुछ नहीं खाया, आज भी कुछ नहीं आया, कल सुबह आरती देंगे उसके बाद में ही खाना खाएंगे। पूजा कर रहे हैं, खड़े होकर करते हैं ये पूजा, सूर्य को आरती देते हैं, पर हमें ये करते हैं हम घर से ला के आते हैं, खाली यहाँ पे पूजा करेंगे, धूप दीप करेंगे, सूर्य को आरती देंगे। छः से होती है, अपने श्रद्धा से करते हैं, खुशी से करते हैं। और जी, तो फल की बात करें तो किस तरह से इच्छा रहती है और क्या क्या मांगा जाता है इस मैया से? ये है कि अपने जो चीज़ हम कहते हैं वो हो जाती है, कुछ भी हो, दिन नहीं आती है, माता रानी हर चीज़ का आशीर्वाद देती है। जिस तरह से हर व्रत किसी ना किसी के लिए रखा जाता है, तो ये व्रत किसके लिए होता है? पूरी फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए होता है, पूरे परिवार के लिए, बेटा बेटी घर सबके लिए। तो आज ही पूजा में क्या क्या किया जाता है? जिस तरह से पानी में खड़े होकर अर्घ दे रहे हैं, पानी में खड़े होकर सूरज भगवान को डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, दिया जलाते हैं, उनके लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी जो अपनी मनोकामना होती है वो कहते हैं। आप कब से करते आ रहे हैं ये पूजा? मुझे तो हो गया 8 साल।